Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and welcome to another blog. So, आज के इस blog में मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक अच्छा सा like outing kind of blog, like मैं, मेरी बेस्टी और हमारे बाकी जो दोस्त लोग हैं वो आप लोग देख ही रहे होंगे. वो लोग गाड़ी पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं और हम लोग स्कूटी पे जा रहे हैं. तो मेरी बेस्टी जो है वो स्कूटी चला रही है और मैं पीछे बैठ के ब्लॉग शूट कर रही हूँ. गाइस, अभी हम हनुमान वाटिका के पास में जो चौक है वो वाला चौक क्रॉस करके जा रहे हैं. एंड हमने कुछ सोचा है लाइक सिविल तरफ कुछ एक अच्छा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है टमरिंड स्काई रेस्टोरेंट. हम लोगों ने वहाँ पे जाने का प्लान किया. हम लोगों ने नहीं, एक्चुअली मैंने ही ये प्लान बनाया है क्योंकि राउरकेला के ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो कि मैं ऑलरेडी जाके वहाँ पर विज़िट कर चुकी हूँ एंड ये हम आके पहुँच चुके हैं. तो गाइस, ये रहा टमरिंड स्काई रेस्टोरेंट का आउटर व्यू. एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्यारे प्यारे लाइक पाम का ट्री वो लगा हुआ है. एंड अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं टमरिंड स्काई रेस्टोरेंट के ऊपर तरफ. हम लोगों ने ऑलरेडी लिफ्ट कर लिया था. लाइक ये जो रेस्टोरेंट है वो फोर्थ फ्लोर में है. एंड ये गाइस देखिए, ये हम आ चुके हैं टमरिंड स्काई रेस्टोरेंट में. एंड यहाँ पे गाइस हम लोग गए थे राखी वाले दिन दोपहर को एंड बहुत खाली था रेस्टोरेंट. कुछ एक दो कस्टमर्स ही आके बैठे थे. एंड ये गाइस देखिए, मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे. एंड ये रहा रेस्टोरेंट का कुछ नज़ारा. एंड ये गाइस, ये जो रेस्टोरेंट यहाँ पे आप अगर आओगे ना लाइक शाम के अराउंड, लाइक रात को अगर डिनर वगैरह करने के लिए, तो ना बहुत अच्छा एम्बियंस क्रिएट हो जाता है यहाँ का. एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. यहाँ देखना तो गाइस, आज हम लोग आके पहुंच चुके हैं टमरिंड स्काई रेस्टोरेंट में. हाँ, स्काई रेस्टोरेंट जो है ना, पता नहीं क्या होगा. तो अब हम लोगों ने अब टमरिंड स्काई रेस्टोरेंट और टमरिंड, ओनली टमरिंड है. गाइस, हमारा ऑर्डर जो है वो फाइनली आ चुका है लाइक 30-40 मिनट्स वेट करने के बाद. एंड मेरा है ये बारबेक्यू चिकन विंग्स. एंड ये है मेरा दोस्त एंड ये है भैया. और यहाँ पे बैठी है मेरी दोस्त. गाइस, लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना. हमारा हाथ से इसका तो गाइस, ये रहा खाने का कुछ बुमरंग जो कि मैं खाते टाइम ली थी. एंड यहाँ का प्राइस भी ओवरऑल बहुत ही अफोर्डेबल है. आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए. हम लोगों ने खाना खा लिया एंड हमारा पेट एकदम भर चुका है, ठीक है. और अभी हम लोग कुछ मसाला कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किए हैं. मैं तो नहीं पीने वाली, बाकी तीनों पियेंगे शायद. मेरा तो पेट भर चुका है एंड बारिश भी बहुत ज़ोर से होके वो भी ख़त्म हो चुका है. बस अभी घर जाएंगे रेस्ट. खाना तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा था, टेस्ट भी सबका बहुत ही सही था. मतलब पर वेज पनीर स्टिक बॉल्स, स्टिक बॉल्स था ना, पनीर स्टिक बॉल का छोड़ के बाकी सारा बहुत सही था. मेरा वाला तो बारबेक्यू चिकन विंग्स वो बहुत ही अच्छा था. एंड मेरा सावन का महीना ख़त्म हो गया तो मैं आज बहुत अच्छे से खाई हूँ, एकदम मन भर के, पेट भर के. पेट तो मैं ज़्यादा नहीं भरती बट मन भर के खाई हूँ पेट. अभी हम लोग टमरिंड से निकल चुके हैं एंड अभी घर वापस जा रहे हैं. आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मतलब वीडियो अच्छा लगा होगा. तो पीछे मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं. तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना. बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड. आई लव यू गाइस सो मच. सॉरी, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई लाइक रेस्टोरेंट का ओवरऑल व्यू. बट यहाँ पे आप लोग मेरा और मेरे फ्रेंड्स के साथ जो फोटोज ली हूँ वो आप देख सकते हो. लाइक बहुत ही अच्छा व्यू था. सजेस्ट करूँगी कि आप नाइट टाइम में जाइए एंड वहाँ पे विजिट कीजिए. एंड नाइट टाइम में वहाँ का जो एम्बियंस है गाइज वो बहुत ही खूबसूरत लगता है. आपको बहुत अच्छे खासे फोटोज मिल जाएंगे आपके इंस्टाग्राम के लिए.